दोस्तों ब्रिक के लेंथ वाइज पोर्शन को बोलते हैं स्ट्रेचर एंड ब्रिक के विथ वाइज पोर्शन को बोलते हैं हेडर, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है। स्ट्रेचर बॉन्ड ब्रिक मेसनरी में तब कहेंगे जब थ्रू आउट द वॉल आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचर बॉन्ड ही विजिबल हो, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहेंगे स्ट्रेचर बॉन्ड, जैसा कि आपको दोस्तों यहां पर भी दिख रहा होगा। हेडर बॉन्ड कब कहेंगे, जब थ्रू आउट द वॉल हेडर फेस ही आपको विजिबल हो, तो ऐसे बॉन्ड को हेडर बॉन्ड कहेंगे। इंग्लिश बॉन्ड के अंदर आपको स्ट्रेचर एंड हेडर अल्टरनेट लेयर्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, यानी एक लेयर स्ट्रेचर का और एक लेयर हेडर का, जैसा कि दोस्तों आपको यहां पर स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा, इसे कहेंगे इंग्लिश बॉन्ड। फ्लेमिश बॉन्ड किसे कहेंगे, तो यहां पर एक ही लेयर के अंदर हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट मैनर के अंदर प्लेस किए गए होंगे और थ्रू आउट द वॉल ऐसे अगर स्ट्रक्चर बना रहे हो तो इसे फ्लेमिश बॉन्ड कहेंगे, जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। सेव कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ और हमारे साथ सीख सकते हो आप, लिंक इसका बायो में दिया गया है, सारी चीज़ें आप सीख सकते हो।